दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर आपको प्योरली जेन्युइन और साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज मिलता है। उसी के अंतर्गत आज मैं आपको एक विशेष जानकारी देने वाला हूं, और वो है अगर किसी भी डॉग के पंजों में कोई दिक्कत हो जाए, पंजों में घाव हो सकते हैं, खुजली हो सकती है, सूजन हो सकती है, कई प्रकार की दिक्कतें जो है वो पंजों में हो जाती है, और ये एक डर्मेटाइटिस का रूप है जिसको हम पोडोडर्मेटाइटिस बोलते हैं, और ये वाकई बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। और शुरुआत में ही अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आगे जाकर के ये बहुत बड़ी विकराल समस्या पैदा कर सकती है। क्या क्या हो सकता है? क्रैक्स, सर्दी का मौसम है, पीछे बारिश का मौसम गया ही है, तो उसका इन्फेक्शन आप लोगों के जो पेट हैं, डॉग हैं, उनके ऊपर है अभी भी थोड़ा बहुत हो, तो वो फिर महीने दो महीने बाद ही अपना असर दिखाता है। तो यही मौसम है जिसमें वो असर दिखाएगा। उसके अलावा क्रैक्स की संभावनाएं जो है वो इस मौसम में बहुत ज़्यादा होगी। सूजन हो सकती है, वो किसी भी तरीके की अंदर ललाई हो सकती है, अंदर स्किन में बहुत ज़्यादा ललाई हो करके, और वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन पैदा हो सकता है। कई प्रकार की प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती है। डॉग लगातार खुजाएगा, और यहाँ अगर है और फिर वो लगातार खुजाएगा तो पूरे शरीर पर भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है और एक बहुत ही विकराल स्किन डिजीज का रूप ले सकता है। तो भाई अगर आप अपने डॉग के पंजों को रेगुलरली वॉच करते हैं तो जो ही तकलीफ आपको दिखे उसी समय आपको एक्शन लेना है, और आज मैं जो आपको दवाएं बताने जा रहा हूं उन दवाओं का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने पेट को, अपने डॉग को हेल्दी बना सकते हैं। देखिए करना क्या रहता है, करना ये है। नंबर वन, एक छोटा सा वर्क मैं आपको बताऊंगा, और ये एक पाउडर आप देख पा रहे हैं भाई ने यहां पर लगाया है, और ये पाउडर क्या है मैं बताऊं, नियोमाइसिन और बेसिट्रेंसिन और सल्फासिटेमाइड, ये स्प्रिंगलिंग पाउडर है, मतलब ये छिड़कने का पाउडर है जो ह्यूमन में यूज होता है। लेकिन भाई अगर थोड़ी बहुत शिकायत है तो आप इस पाउडर का इस्तेमाल डायरेक्टली डॉग के पंजों पर कर सकते हैं या नारियल के तेल में मिला करके कर सकते हैं। लेकिन आप इसका इस्तेमाल करेंगे कब? उस समय करेंगे जब आपके पास समय है और आप कुछ समय के लिए, आधे घंटे के लिए अपने डॉग के पास बैठ सकते हैं। जब भी आप अपने पेट के पास बैठते हैं तो उस समय वो बिल्कुल एकदम से रिलैक्स रहता है, अच्छे मूड में रहता है, तो वो इचिंग वगैरह करने के मूड में नहीं होगा। आप उसके साथ थोड़ा समय व्यतीत कर सकते हैं, उसके पास बैठ सकते हैं, उसे आप सहला सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं। आधे घंटे का समय अगर आप व्यतीत करते हैं उसी समय ये पाउडर अगर आप लगा देते हैं तो भाई बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि ये आधे घंटे तक वहाँ लगा हुआ रहेगा। अगर आपने लगा करके छोड़ दिया तो आपका डॉग फिर से चाट लेगा और कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए आप उसे बिजी रख सकें ऐसे समय में आपको ये काम करना है। नंबर टू जो वर्क होता है वो होता है इस स्प्रे का। देखिए स्प्रे चाहे आप किसी भी कंपनी का लें, ये जो सॉल्ट आपको दिख रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केटाकनाजोल और क्लोरहेक्साडिन, ये सॉल्ट जो है ये होने चाहिए। यहाँ भाई ने विव कीटो लिया है, लेकिन आप कोई सा भी ले सकते हैं, केटाकनाजोल और क्लोरहेक्साडिन का, ये बहुत ज़रूरी स्प्रे है। ये स्प्रे आता है, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ऑनलाइन जितनी भी डॉग के प्रोडक्ट हैं वो आपको हमारे रामावत एनिमल ऐप पर मिल जाएंगे मिनिमम रेट में। रामावत एनिमल ऐप जो आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा, 1234 OTP है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ कोई सा भी प्रोडक्ट आप बिल्कुल लोएस्ट रेट में खरीद सकते हैं, आपके घर पे पहुँच जाएगा। इसके अलावा अगर आप डॉग रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं, वेट रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं, वेटनरी से संबंधित सारे के सारे सब्जेक्ट्स वहाँ पर क्लियर किए जाते हैं, और डॉग का फ्री लाइव सेशन भी होता है, उसमें भी आप ज्वाइन करके अपनी समस्याओं को रख सकते हैं और उन समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रामावत एनिमल ऐप वेट हेल्थ के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। वहाँ जा करके आप कोई सा भी प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं, जो आपके यहाँ नहीं मिलता है वो वहाँ आपको कन्फर्म मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इसका इस्तेमाल जब आप वो नियोमाइसिन वाला पाउडर लगा देते हैं उसके बाद आप आधा घंटा वहाँ बैठते हैं। बैठने के बाद आप अपने डॉग को जो ही फ्री छोड़ते हैं, फ्री छोड़ने के बाद जब आप अटैच में आते हैं उसके, जब भी अटैच में आएँ
पूरे दिन में आप जब भी अटैच में आए उस समय एक बार ये स्प्रे जरूर लगा दीजिए। स्प्रे का भी नियम कुछ ऐसा ही है कि अगर आप 10-15 मिनट 20 मिनट अगर बैठ सकें तो वाकई बहुत ही शानदार रहेगा। घर का कोई दूसरा सदस्य हो जो बैठ सके तो बहुत ही शानदार रहेगा। तो इस स्प्रे का इस्तेमाल भी बहुत ही अच्छा रहता है ऐसी कंडीशन में, तो वो ड्राई भी रखेगा, स्प्रे जो है वो भी बहुत अच्छा वर्क करेगा। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलता, अगर आपको बेटर रिजल्ट लेना है तो आपको कुछ ऐसी टैबलेट्स भी देनी पड़ेगी। जहां पर बात टैबलेट्स की आती है, तुरंत अपने नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह से ही इस्तेमाल करनी है। ऐसा नहीं हो कि आप वीडियो देखें और इस्तेमाल कर ले, नहीं, नजदीकी पशु चिकित्सक जो हैं उनसे आपको सलाह लेनी है और उनकी सलाह के अनुसार जो वो डोज बताते हैं उस डोज के अकॉर्डिंग दो प्रकार की टैबलेट्स हैं जिसका रिजल्ट इसके ऊपर बहुत ही अच्छा है। नंबर वन टैबलेट आप देख पा रहे हैं सिफालेक्सिन की टैबलेट है जिसका नाम है लिक्सन। आप कोई सी भी सिफालेक्सिन की टेबलेट ले सकते हैं। 300 mg की टेबलेट होती है जो नॉर्मली 10 से 20 kg के डॉग के लिए पर्याप्त होती है। अगर 20 किलो से ऊपर है तो ये 600 mg की भी आती है। कम तकलीफ होती है तो दिन में एक बार दी जा सकती है, अगर ज़्यादा तकलीफ है तो सुबह शाम दोनों टाइम भी दी जा सकती है। इसका भी रोल बहुत ही अच्छा है, ये एंटी बैक्टीरियल वर्क करती है, यानी बैक्टीरिया के खिलाफ ये काम करेगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ना तो उस समय इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, और वही इम्पोर्टेंस आपके जो डॉग के पंजे खराब हुए हैं, जो घाव हुए हैं, जो फोटोडर्मेटाइटिस हुआ है उसे ये इजीली ठीक कर पाती है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम टेबलेट की बात करें तो वो है फ्रेंड केटाकनाजोल की केपेट। जी हाँ, केपेट टेबलेट भी बहुत अच्छी है, अच्छा ब्रांड है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको 200 mg की मिलती है और ये जो 200 mg की टेबलेट आती है उसकी भी यही कहानी है कि 20 किलो के आसपास आप इसका इस्तेमाल, अगर ज़्यादा तकलीफ है तो बीडी करवा सकते हैं, बीडी मतलब सुबह और शाम दोनों टाइम दे सकते हैं। अगर तकलीफ ज़्यादा नहीं है, अभी शुरुआत ही हुई है, तो आप एक टाइम दे सकते हैं। जब भी आप इस्तेमाल करते हैं आपको लगता है कि यार बहुत ही ज़्यादा खुजली कर रहा है, अगर खुजली ज़्यादा होती है उस समय हम जेरटेक का इस्तेमाल करते हैं। आप सभी को बताए, मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर शायद लगाई हुई नहीं है तो एक पल के लिए मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, और मैंने पहले बताई भी थी जेरटेक के बारे में, मैंने पहले ही बताया था। ये देखिए, ये वो टेबलेट है जेरटेक। तो अगर मान लीजिए कि खुजली ज़्यादा कर रहा है तो 20 किलो पर एक टेबलेट हम जेरटेक की भी दे सकते हैं नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से, और ज़्यादा खुजली नहीं कर रहा है तो सिर्फ इन दोनों का इस्तेमाल ही करवाया जा सकता है, इन दोनों को साथ में दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एक को देते हैं, इसको एक को सुबह देते हैं एक को शाम को दे दीजिए, बेस्ट तरीका है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं वॉमिटिंग कर देते हैं जब ये केटाकनाजोल या एंटी बैक्टीरियल एंटी ये आपके फंगल कोई सी भी टेबलेट दी जाती है, ये एंटी फंगल है ठीक है, तो कोई सी भी टेबलेट दी जाती है ना तो अक्सर डॉग्स में वॉमिटिंग की शिकायत हो जाती है। तो अगर ऐसी शिकायत है तो आप क्या करेंगे, सुबह और शाम अलग अलग, जैसे इसको सुबह दे दीजिए तो इसको शाम को दे दीजिए, या इसको शाम को दे दीजिए इसको सुबह दे दीजिए, इस तरीके से आप इन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर यूज़ कर लेते हैं। ये दिन में एक बार देने की होती है, ये भी दिन में एक एक बार ही देने की होती है। अगर वॉमिटिंग नहीं कर रहा है और तकलीफ ज़्यादा है तो सुबह शाम दोनों टाइम दी जा सकती है, भाई बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन जो भी दवाएँ इस्तेमाल करें वो आप नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से इस्तेमाल करें।